अस्सलामु अलैकुम एंड हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बेहद बहादुर और जांबाज फ्रीडम फाइटर अजीज़न की। अजीज़न की पैदाइश ईयर 1832 में लखनऊ में हुई। वालिद हुसैन खान और वालिदा हमीदा बेगम थीं, जो उनकी विलादत के कुछ अरसे बाद ही दुनिया से रुखसत हो गई। 7 जून 1857 को नाना साहब पेशवा की जानिब से एक ऐलान जारी करके हिंदू मुसलमानों से मुश्तरका एक साथ ये अपील की गई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में फ़ौज में भर्ती हों। अजीज़न बाई की उम्र उस वक्त 25 बरस की थी। उन्होंने अपने साथियों के तआवुन से, साथियों की मदद से औरतों की एक छोटी सी फ़ौज मुनज़्ज़म की। वो घर घर जाकर औरतों को घुड़सवारी और हथियारों का इस्तेमाल सिखाती थीं। वो फ़ौजी वर्दी में मलबूस, कांधों पर तमगे सजाए हुए, घोड़े पर सवार, बेखौफ इधर उधर घूमती रहती थीं। ख़वातीन की ये छोटी सी फ़ौज ज़ख्मी सिपाहियों को तिब्बी यानी मेडिकल एड पहुंचाया करती थी। सिपाहियों के लिए गोला बारूद फराहम कराती और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती थी। इसके अलावा वो जासूसी के ज़रिए जंगी इत्तिलाआत हासिल करके अहम शख्सियात तक पहुंचाना भी उनका एक अहम फरीज़ा था। वो बुज़दिलों को उनके घरों में जाकर चूड़ियां पहनाया करती थीं। शर्मिंदगी से बचने के लिए आवाम की भारी तादाद ने फ़ौज में भर्ती होना शुरू कर दिया था। कानपुर में इनकलाब की नाकामी के बाद जब अंग्रेज़ों ने बागियों की फहरिस्त तैयार की तो उसमें अजीज़न का नाम सबसे ऊपर था। जनरल हेवलॉक ने पेशकश की कि अगर वो रहम की दरख्वास्त करे तो उसको माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अजीज़न बाई ने इस रियायत को हकारत से ठुकरा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि उनका ये कदम बकिया इनकलाबियों के हौसले पस्त कर देगा। इसके बाद उस मुजाहिदा के जिस्म को गोलियों से छलनी कर दिया गया। वी सल्यूट फ्रीडम फाइटर अजीज़न। जज़ाकअल्लाह खैर।